हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल लर्न विद संध्या हस्तक्षी भी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स। विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट एनी ऑफ थ्री कैटेगरीज। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल्स बताने हैं, बाइनोमियल्स बताने हैं और ट्रिनोमियल्स। और देखिए, बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स, इन तीनों में से अगर कोई भी किसी पे भी फिट ना बैठे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब इसको करते हैं तो हमें इसमें पता चलेगा कौन सा बाइनोमियल है, मोनोमियल और ट्रिनोमियल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मोनोमियल्स मीन्स वन, एक टर्म होगी। अब बाइनोमियल्स मीन्स दो टर्म होगी। ठीक है, और ट्रीनोमियल्स में एज इट इज़ आपको पता ही चल रहा है, तीन टर्म होंगी। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स में थ्री से ज़्यादा होंगी, जितनी भी होंगी, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, तो इस एक्सप्रेशन में आपकी दो टर्म है, तो ये आपकी क्या होगी, बाइनोमियल्स। तो हम बाइनोमियल्स में लिख लेंगे, तो ये एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 1000। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वन है, एक ही टर्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स में हम लिख लेंगे 1000। ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका एक्स प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें फोर टर्म है, तो अब इसमें से तो हमारी तीनों में से किसी में फिट नहीं बैठेगी, तो ये आपकी क्या होगी, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हो जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4, ये आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी, 7 प्लस वाई प्लस 5x। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में आपकी कितनी टर्म है, थ्री टर्म है, तो थ्री टर्म होगी तो क्या होगा आपका, ये ट्रीनोमियल्स। ठीक है, तो ट्रीनोमियल्स में लिख लेंगे 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है 2y माइनस 3y पावर 2। तो ये आपका क्या है, दो टर्म है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में हम लिख लेंगे 2y माइनस 3y पावर 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट एक्सप्रेशन 2y माइनस 3y की पावर 2 प्लस 4y की पावर 3। तो इसमें आपको दिख रहा है कि थ्री टर्म है, एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रीनोमियल्स। तो ट्रीनोमियल्स में हम लिख लेंगे 2y माइनस 3y की पावर 2 प्लस 4y पावर 3। ठीक है, तो ये आपका ट्रीनोमियल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 5x माइनस 4y प्लस 3xy। अब इसमें भी आपकी थ्री टर्म दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रीनोमियल्स। तो 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रीनोमियल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 4z माइनस 15z की पावर 2। इसमें आपको दो टर्म दिख रही है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल्स में हम लिख लेंगे 4z माइनस 15z की पावर 2। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन ab + bc + cd + da। अब इसमें हमें दिख रहा है ना ही ये मोनोमियल है, ना ही बाइनोमियल है, ना ही ट्रीनोमियल्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में लिख लेते हैं ab + bc + cd + da। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर है, तो ये आपका क्या है, एक टर्म है, तो ये क्या आप हो जाएगा आपका मोनोमियल। तो मोनोमियल में पी क्यू और आर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपका, पी की पावर 2 क्यू प्लस पी क्यू पावर 2, ठीक है। अब इसमें हमें दो एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में हम लिख लेंगे पी पावर 2 क्यू प्लस पी की क्यू पावर 2, ठीक है, ये भी हो गया आपका बाइनोमियल। नेक्स्ट है आपका लास्ट वन है 2p प्लस 2q, इसमें भी आपकी दो टर्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल 2p प्लस 2q, तो इसमें हमें पता चल गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।